तो देखिए आप लोग एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा बिल्कुल कि केला जो है वो केला बिल्कुल पका होना चाहिए, केला कच्चा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि केला हम जो लिए हैं सारे केला जो है बिल्कुल पका हुआ केला है। तो इस केले को हम छील लिए हैं, छिलका हटा देंगे और अब केले को हमें क्या करना है, छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। केले के छोटे छोटे पीसेस तैयार करना है। सारे केले के पीसेस हम कर लिए हैं छोटे छोटे टुकड़े में। अब इधर हम गैस ऑन करेंगे और इस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे। आप कढ़ाई या पैन भी चढ़ा सकती हैं, जो भी आपके पास हो उसे आप चढ़ा सकती हैं। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है हम इस केले को एक मिक्सी जार में लेंगे और इसे जो है मिक्सी जार में डालेंगे केले को। और इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, केले को जो है हम ऐसे ही पीस लेंगे। तो हम पीस कर अभी आपको दिखाते हैं केला को। तो देखिए हम केले को पीस लिए हैं बिल्कुल अच्छा से, हमारा ये तैयार हुआ बेटर। हम एक बर्तन में इसे निकाल लेते हैं। तो सारे केले हम पीस लिए हैं, यहाँ पे बिल्कुल हम पानी नहीं डाले हुए हैं और ना ही दूध डाले हैं, सिर्फ केला को हम ऐसे कर पीसे हुए हैं मिक्सी के जार में डालकर। तो फ्रेंड्स इसकी मिठाई हम बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी मिठाई बन के रेडी होगा। आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को बीच में स्किप आप लोग नहीं कीजिएगा। तो ये हमारा केला का बैटर तैयार है। इधर हम कढ़ाई रख दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें हम घी डाल दिए हैं। तो घी हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, देखिए। अब इस पेस्ट को हम इसे डाल देंगे केले का। और इसे हमें चलाना है, बिल्कुल लगातार चलाते रहना है। तो देखिए इसमें घी थोड़ा अधिक ही चाहिए, कोई भी आप मिठाई बनाते हो तो उसमें अधिक थोड़ा घी चाहिए, तो इसके घी थोड़ा हम अधिक डाले हुए हैं। अगर बाद में हमें कम लगेगा तो थोड़ा सा और डाल लेंगे। और इसे हम चलाते रहेंगे, कम से कम इसे हम 10 से 12 मिनट तक भूनेंगे। तो देखिए हमें भूनते इसे कम से कम 8 से 10 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल आपको हम कैमरे के पास से दिखाते हैं। देखिए पेस्ट अब हमारा गाढ़ा तैयार हो गया है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट और भून लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि इसको बहुत अच्छा से इसका टेस्ट आ जाए। बहुत अच्छा ये बन के रेडी होगा, आप लोग बिल्कुल देखते रहिएगा वीडियो को। तो देखिए इसे हम भून लेंगे और यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ हम ये गुड़ लिए हैं तो हम इसमें गुड़ डालेंगे। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकती हैं, लेकिन हम यहाँ गुड़ से बना रहे हैं। तो गुड़ को तोड़कर आप चाहे तो गर्म पानी में इसे डाल दीजिए तब तक, या फिर ठंडे पानी में भी डाल सकती हैं, कोई वो नहीं है। तो हम इसे गर्म पानी में तोड़ के डाल देंगे तब तक। तो ये देखिए अब बिल्कुल मेरा भून के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि साइड साइड बिल्कुल घी निकल रहा है, घी अच्छा हमारा पड़ा था, हम ज़्यादा घी नहीं डाले थे। फ्रेंड्स आप सभी लोगों से बता दें कि 3 से 4 चम्मच घी हमने डाला हुआ है, ज़्यादा घी नहीं डाले हुए हैं। बस अब ये जो है हमारा भून कर रेडी हो गया है। तो अब हम आगे ये जो हम आपको गुड़ दिखाए थे उसे हम पानी में जो है तोड़ कर डाल दिए हैं। तो इस गुड़ को अब इसमें हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे। और इसे हम चलाते रहेंगे बराबर, बिल्कुल गैस का फ्लेम हाई रखना है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल पानी जैसा है, लेकिन अभी ये गुड़ हम डाले हुए हैं तो ये थोड़ी देर में बहुत अच्छा बन जाएगा। इसे लगातार हमें पकाना है बिल्कुल। तो ये
ये देखिए भूनते भूनते हमारा जो है ये बिल्कुल अच्छे से आप सभी लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा तैयार हो गया है। बिल्कुल अभी आप लोगों को दिख रहा था कि पतला था, लेकिन देखिए बिल्कुल जो है ये गुड़ का जो पाग हम गुड़ डाले हैं उसके वजह से ये टाइट हो गया है, बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। देखिए अब इसमें हम आप अपने मनचाहा जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो आप उसे डाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिए हैं ये गरी है, इसे नारियल का जो बोलते हैं उसे हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं, कुछ किशमिश लिए हैं और यहाँ इसमें हम थोड़ी सी चिरौंजी लिए हैं। तो आप अपने मनपसंद हिसाब कुछ भी डाल सकती हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट्स उसे डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, इसमें डाल देंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गुड़ का ही पे करके डालिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो गुड़ का पाउडर भी मार्केट में आता है आप उसे भी लेकर डाल सकती हैं, जिसमें आपको सुविधा लगे वो कर सकती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छा मेरा बन के तैयार हो गया है, देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है, लग रहा है ना बहुत अच्छा, देखिए बिल्कुल टेस्टी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो अभी इसे हम आगे बताते हैं कि क्या करना है, बस इसे हम जो है, अगर आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे वीडियो को ज़रूर कमेंट किया करिए। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूला करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब हम गैस ऑफ करते हैं, ये मेरा बिल्कुल रेडी है। तो हम आपको आगे बताते हैं कि अभी क्या करना है। तो आप कोई भी प्लेट या कटोरा ले सकते हैं, उसमें हल्का सा घी लगा दीजिए नीचे। अब देखिए यहाँ लगा दिए हैं, आपको दिखाते हैं, साइड में थोड़ा थोड़ा घी लगा दीजिए। और अब जो ये हम पेस्ट बनाए हुए हैं इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए हम सारा निकाल के और इसे फैला लेना है, इसे हम पतला नहीं रखेंगे फ्रेंड्स, इस बात का आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो मिठाइयाँ होती हैं ये थोड़ा मोटे में होता है, आप बिल्कुल देखती होंगी मार्केट में कि ये चौड़े में और मोटा मोटा रहता है, पीसेस पतला नहीं रहता है। तो इसका हम जो है मोटा ही रखेंगे ऐसे, और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। फिर हम आपको आगे दिखाते हैं कि कैसे मेरी मिठाइयाँ बन के तैयार हुई, आप सभी लोग बनाइएगा बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, देखिए बिल्कुल मेरा ये केले बर्फी तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा पीसेस बन के तैयार हुआ है, लग रहा है ना बहुत अच्छा, देखिए बहुत ये टेस्टी बनता है। तो आप सभी लोग भी दिवाली के त्यौहार पे या किसी भी त्यौहार पे या फिर ऐसे भी अगर आपका खाने का मन हो तो आप लोग बनाइए और खा के हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोगों को मेरा ये केले का बर्फी कैसा लगा। ये बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल बनाना नहीं भूलिएगा। और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा वीडियो को, हमारे चैनल को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज का वीडियो हम यहीं बंद करते हैं, आपसे कल फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक